हे गाइस, क्या आपको पता है कि पोकेमॉन की सबसे पहली गेम किस कंसोल पे रिलीज हुई थी? और क्या आपको पता है कि पहले पोकेमॉन मूव की टाइप डिसाइड करती थी कि मूव स्पेशल अटैक है या फिजिकल अटैक? अगर आपको पोकेमॉन गेम्स की हिस्ट्री के बारे में जानना है और देखना है कि पोकेमॉन की गेम्स कैसे इवॉल्व हुई, तो कीप वॉचिंग। तो गाइस, सबसे पहले 1996 में पोकेमॉन की फर्स्ट जनरेशन में तीन गेम्स रिलीज की गई थी, पोकेमॉन रेड, पोकेमॉन ग्रीन और पोकेमॉन ब्लू। ये गेम्स एक गेम बॉय नाम के कंसोल के ऊपर रिलीज की गई थी। ये गेम्स में कलर सपोर्ट नहीं करते थे, ये गेम्स ब्लैक एंड वाइट थी। और इन गेम्स में सबसे पहले 151 पोकेमॉन इंट्रोड्यूस किए गए थे और इन तीनों गेम्स की स्टोरी और गेम प्ले ऑलमोस्ट सेम ही थे। प्लेयर को कैंटो रीजन घूमकर 8 बैजेस कलेक्ट करने होते थे और एलिट 4 और चैंपियन को हराकर खुद एक चैंपियन बनना होता था। इन गेम्स के अलावा 1998 में फर्स्ट जनरेशन में एक और गेम रिलीज की गई थी, पोकेमॉन येलो। ये एक नए गेम बॉय कलर नाम के कंसोल के ऊपर एक स्पेशल एडिशन रिलीज किया गया था, जिसमें कलर सपोर्टेड थे, स्टोरी लाइन थोड़ी सी अलग थी और पिकाचू एज अ स्टार्टर पोकेमॉन था। इस गेम में प्लेयर्स तीनों ही स्टार्टर पोकेमॉन चार्मेंडर, बल्बसोर और स्क्वाटल को कैच कर सकते थे और टीम रॉकेट से भी बैटल कर सकते थे। ये गेम पोकेमॉन के एनिमे से इंस्पायर्ड थी और मॉडर्न गेम्स पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू और लेट्स गो ईवी भी पोकेमॉन येलो की ही मॉडर्न रीमेक्स हैं। नेक्स्ट 1999 और 2000 में पोकेमॉन की सेकंड जनरेशन में तीन गेम्स रिलीज की गई थी, पोकेमॉन गोल्ड, पोकेमॉन सिल्वर और पोकेमॉन क्रिस्टल। ये गेम्स भी गेम बॉय कलर कंसोल के ऊपर रिलीज की गई थी। ये गेम्स लेजेंडरी पोकेमॉन होओ, लुगिया और सुईकून के ऊपर बेस्ड थी। इन गेम्स में न्यू रीजन जोटो के साथ 100 न्यू पोकेमॉन इंट्रोड्यूस किए गए थे और इन गेम्स में दो न्यू पोकेमॉन टाइप्स भी इंट्रोड्यूस की गई थी, स्टील टाइप और डार्क टाइप, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में साइकिक टाइप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और इस टाइप को काउंटर करने के लिए स्टील टाइप और डार्क टाइप को गेम्स में लाया गया था। इन दोनों टाइप्स ने पोकेमॉन के गेम प्ले मैकेनिक्स को और भी इम्प्रूव कर दिया था और इन गेम्स को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। नेक्स्ट 2002 और 2004 में पोकेमॉन की थर्ड जनरेशन में तीन गेम्स रिलीज की गई थी, पोकेमॉन रूबी, पोकेमॉन सैफायर और पोकेमॉन एमराल्ड। इन गेम्स को एक न्यू कंसोल गेम बॉय एडवांस के ऊपर रिलीज किया गया था और ग्राफिक्स भी थोड़े इम्प्रूव किए गए थे। इन गेम्स में न्यू रीजन होइन और 135 न्यू पोकेमॉन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। थर्ड जनरेशन की गेम्स में पोकेमॉन गेम्स के अभी तक के तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, पहला पोकेमॉन की एबिलिटीज़, दूसरा पोकेमॉन के नेचर्स और तीसरा डबल बैटल्स फीचर। हर पोकेमॉन के पास एक एबिलिटी होती है जो उस पोकेमॉन को बैटल में तरह तरह के एडवांटेज देती है, जैसे कि पोकेमॉन के स्टेट्स बूस्ट करना या फॉर एग्जांपल फ्लाइगन की एबिलिटी लेविटेट उसे ग्राउंड टाइप मूव से इम्यूनिटी देती है। और जहाँ पोकेमॉन नेचर्स पोकेमॉन की स्टेट्स बूस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अडामंट नेचर पोकेमॉन का अटैक इंक्रीज करता है और स्पेशल अटैक डिक्रीज करता है। और डबल बैटल्स में दो दो पोकेमॉन की टीम्स एक साथ बैटल कर सकती थी। इस जनरेशन में ईवी आईवीज को भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया था। ईवी आईवीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसे किसी और वीडियो में देखेंगे। इन गेम्स को पोकेमॉन की क्लासिक गेम्स भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी पोकेमॉन के फैंस इन गेम्स को हैक करके न्यू गेम्स बनाते रहते हैं, जैसे कि पोकेमॉन अनबाउंड, पोकेमॉन ग्लेज, पोकेमॉन डार्क वर्शिप। ये गेम्स पोकेमॉन की मोस्ट पॉपुलर फैन मेड गेम्स में से एक है। नेक्स्ट 2006 और 2008 में पोकेमॉन की फोर्थ जनरेशन में पोकेमॉन डायमंड, पोकेमॉन पल और पोकेमॉन प्लेटिनम रिलीज की गई थी। इस जनरेशन में न्यू रीजन सीनो और 107 न्यू पोकेमॉन से इंट्रोड्यूस किए गए थे और ये गेम्स लेजेंडरी पोकेमॉन डियाल्गा, पालकिया और जीराटीना के ऊपर बेस्ड थी। इस जनरेशन में पोकेमॉन गेम्स की एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक को फिक्स किया गया था। पहले क्या होता था कि पोकेमॉन की फर्स्ट थ्री जनरेशन में पोकेमॉन मूव की टाइप डिसाइड करती थी कि वो मूव एक फिजिकल अटैक मूव है या स्पेशल अटैक मूव है। फॉर एग्जांपल किसी भी पोकेमॉन की दो अटैक स्टेट्स होती हैं, एक फिजिकल अटैक स्टेट और दूसरी स्पेशल अटैक स्टेट। वैसे ही पोकेमॉन के डैमेज करने वाले मूव्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं,
एक फिजिकल अटैक मूव्स जैसे कि फ्लेयर ब्लिट्स, वॉल टैकल, क्लोज कॉम्बैट वगैरह जो डैमेज के लिए पोकेमोन की अटैक स्टेट को यूज़ करते हैं। वैसे ही दूसरे हैं स्पेशल अटैक मूव्स जैसे कि फायर ब्लास्ट, थंडर बोल्ट, ऑरा स्फीयर वगैरह जो डैमेज के लिए पोकेमोन की स्पेशल अटैक स्टेट को यूज़ करते हैं। तो पोकेमोन की फर्स्ट 3 जनरेशन्स में क्या होता था कि सारे के सारे फायर, इलेक्ट्रिक, वाटर और साइकिक टाइप मूव्स स्पेशल अटैक की कैटेगरी में गिने जाते थे और सारे के सारे फाइटिंग, स्टील, रॉक, ग्राउंड जैसी टाइप्स के मूव्स फिजिकल अटैक मूव्स की कैटेगरी में गिने जाते थे। ये कई सारे पोकेमोन्स के लिए अनफेयर था, जैसे कि एक फायर टाइप पोकेमोन है जिसकी अटैक स्टेट ज़्यादा है लेकिन स्पेशल अटैक स्टेट लो है, तो ये पोकेमोन फायर टाइप्स मूव्स का फ़ायदा नहीं उठा पाता था। तो इसीलिए फोर्थ जनरेशन में फिजिकल और स्पेशल मूव्स को स्प्लिट किया गया और फोर्थ जनरेशन में बहुत सारे मूव्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि फ्लेयर ब्लिट्स मूव जो फायर टाइप होने के बावजूद भी एक फिजिकल अटैक बेस्ड मूव है, और वैसे ही ऑरा स्फीयर मूव जो फाइटिंग टाइप होने के बावजूद भी एक स्पेशल अटैक बेस्ड मूव है। और ऐसे ही बहुत सारे मूव इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि पोकेमोन गेम्स के गेम प्ले को और भी ज़्यादा बैलेंस किया जा सके। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट 2010 और 2012 में फोर्थ जनरेशन में 4 गेम्स रिलीज की गई थी, पोकेमोन ब्लैक एंड वाइट और पोकेमोन ब्लैक 2 एंड वाइट 2। और ये गेम्स लेजेंडरी पोकेमोन जैक्रोम, रेशिराम और क्यूरेम के ऊपर बेस्ड थी। इस जनरेशन में न्यू रीजन यूनेवा के साथ 156 न्यू पोकेमोन इंट्रोड्यूस किए गए थे। इस जनरेशन में न्यू हिडन एबिलिटीज और न्यू बैटल मोड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि रोटेशन बैटल्स और ट्रिपल बैटल्स। पोकेमोन ब्लैक 2 और वाइट 2 में पहली बार पोकेमोन का फ्यूजन दिखाया गया था, जैसे कि जैक्रोम और क्यूरेम का फ्यूजन ब्लैक क्यूरेम और रेशिराम और क्यूरेम का फ्यूजन वाइट क्यूरेम। नेक्स्ट 2013 सिक्स्थ जनरेशन में पोकेमोन एक्स वाई के साथ पोकेमोन की गेम्स पूरी 3D में कन्वर्ट हो चुकी थी। ये गेम्स लेजेंडरी पोकेमोन जेरनियस और विल्टाल के ऊपर बेस्ड थी। इन गेम्स में न्यू फेरी टाइप इंट्रोड्यूस की गई थी और इस वजह से इस गेम में बहुत से पोकेमोन्स को रीटाइप किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जिग्लीपफ 5th जनरेशन तक एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन था, लेकिन 6th जनरेशन में जिग्लीपफ की टाइप को नॉर्मल टाइप से बदलकर फेरी टाइप कर दिया गया था। इन गेम्स में ही पहली बार मेगा एवोल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। मेगा एवोल्यूशन एक ऐसा फेनोमिना है जिसमें पोकेमोन एक मेगा स्टोन की मदद से बैटल में टेम्पररी इवॉल्व हो सकते थे, लेकिन आप एक बैटल में सिर्फ एक ही बार मेगा इवॉल्व कर सकते थे। पोकेमोन एक्स वाई में 28 अलग अलग पोकेमोन के मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किए गए थे और 6th जनरेशन में पोकेमोन रूबी और सेफायर की 3D रीमेक्स भी इंट्रोड्यूस की गई थी, पोकेमोन ओमेगा रूबी और अल्फा सेफायर। और इन गेम्स में और 20 न्यू मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किए थे और बताया गया थी रेक्वाजाई मेगा एवोल्यूशन को लेकर आया था। नेक्स्ट 2016 और 17 में 7th जनरेशन में फिर से 4 गेम्स रिलीज की गई थी, पोकेमोन सन एंड मून और अल्ट्रा सन एंड मून। ये गेम्स लेजेंडरी पोकेमोन सोलगालियो, लूनाला और नेक्रोजमा के ऊपर बेस्ड थी। इन गेम्स में न्यू रीजन अलोला के साथ 81 न्यू पोकेमोन इंट्रोड्यूस किए गए थे और इन पोकेमोन के साथ 18 न्यू अलोलन फॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। अलोलन फॉर्म्स बेसिकली जो पोकेमोन पहले से मौजूद थे उन पोकेमोन्स के नए रीजनल फॉर्म्स थे जिनकी टाइप्स और लुक्स थोड़ा सा अलग था। इन गेम्स में एक न्यू फेनोमेना इंट्रोड्यूस किया गया था, जी मूव्स। इसमें मेगा स्टोन्स की तरह जी क्रिस्टल होते थे और ये पोकेमोन के किसी एक मूव को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर देते थे, लेकिन इन्हें भी आप एक बैटल में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते थे। इन गेम्स में पोकेमोन जिम्स को भी हटा दिया गया था, इसकी जगह आपको आइलैंड्स घूमकर ट्रायल्स कंप्लीट करनी होती थी और टोटेम पोकेमोन को हराने के बाद आप आइलैंड के कहुना को चैलेंज कर सकते थे। नेक्स्ट 2019 में 8th जनरेशन में 2 नई गेम्स रिलीज की गई थी, पोकेमोन स्वॉर्ड एंड पोकेमोन शील्ड। ये गेम्स लेजेंडरी पोकेमोन जासियन और जमाजेंथा के ऊपर बेस्ड थी। इन गेम्स में न्यू गलार रीजन के साथ 81 न्यू पोकेमोन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और एग्जिस्टिंग पोकेमोन के 19 गलेरियन फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। और पहली बार इन गेम्स में कई पोकेमोन्स को कट किया गया था, मतलब कि ऐसा पहली बार हुआ था कि गेम्स में सारे के सारे पोकेमोन्स को इंक्लूड नहीं किया गया था।
क्योंकि पोकेमोन अब कुछ ज़्यादा ही हो चुके थे और सारे के सारे पोकेमोन्स को गेम में इंक्लूड करना मुश्किल हो रहा था। इन गेम्स में न्यू फेनोमेना इंट्रोड्यूस किया गया था, डायनामिक्स और जायगेंटामिक्स। डायनामिक्स करने पर पोकेमोन्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उनकी एचपी डबल हो जाती है और उनके मूव्स पावरफुल मैक्स मूव्स में बदल जाते हैं। जायगेंटामिक्स भी डायनामिक्स की तरह होता है, लेकिन इसमें पोकेमोन का लुक बदल जाता है और पोकेमोन को एक सिग्नेचर जी मैक्स मूव मिलता है और जायगेंटामिक्स सिर्फ कुछ ही पोकेमोन कर सकते हैं। इन गेम्स में ट्रेडिशनल जिम्स को भी वापस ला दिया गया था। इन गेम्स में एक बड़ा सा वाइल्ड एरिया भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ट्रेनर्स मैक्स रेड बैटल्स में पार्ट लेकर वाइल्ड डायनामिक्स पोकेमोन से बैटल कर सकते थे और उन्हें पोकेबॉल में पकड़ सकते थे। नेक्स्ट 2022 में 9th जनरेशन में पोकेमोन स्कारलेट और वायलेट रिलीज की गई थी। ये गेम्स लेजेंडरी पोकेमोन कोराइडॉन और मिराइडॉन के ऊपर बेस्ड थी। इन गेम्स में न्यू पाल्डिया रीजन के साथ 103 न्यू पोकेमोन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और सिर्फ 3 ही पोकेमोन के पाल्डियन फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन इसकी जगह इन गेम्स में पोकेमोन के पैराडॉक्स फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो पोकेमोन के पास्ट और फ्यूचर फॉर्म्स थे। जैसे कि पोकेमोन स्कारलेट में डॉनफेन, सालामेंस और वॉल्कारोना के पास्ट फॉर्म्स और पोकेमोन वायलेट में डॉनफेन, टायरानिटार और हाइड्राइगन जैसे फ्यूचर फॉर्म्स। ये गेम्स ओपन वर्ल्ड गेम्स थी और इन गेम्स में प्लेयर्स जैसे चाहे वैसे घूम सकते थे। स्कारलेट एंड वायलेट में न्यू फिनोमिना टेरास्टिलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फेनोमिना में पोकेमोन की टाइप बदलकर उस पोकेमोन की टेरा टाइप में बदल जाती थी। फॉर एग्जांपल, पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, लेकिन अगर पिकाचू की टेरा टाइप वाटर टाइप है तो टेरास्टिलाइजेशन करने पर पिकाचू वाटर टाइप में बदल जाएगा। टेरास्टिलाइजेशन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये पोकेमोन्स के मूव्स को कैसे पावरफुल बनाता है। सो दैट्स इट गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तब मुझसे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।